हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणय, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मास्टर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया जुगाड़ लेकर आया हूँ जो बहुत बढ़िया है। टूर के सेंडे छाटने वाली जो मशीन है वो कैसे बनाएंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा ट्रायल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैसे बनाना है ये बताता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये मेरे खेत में टूर के पौधे हैं जिसके हमें सेंडे छाटने हैं, ठीक है। उसके लिए जो मशीन बनाई ये देखिए, ये ब्लेड है, एक रोटर है या मोटर भी बोल सकते, ठीक है। ये मार्केट में आपको कहाँ पे मिलेगी, कितने की मिलेगी, ये आगे मैं वीडियो में एक इमेज है उसमें आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा ट्रायल दिखाता हूँ इसका, उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पूरा जो जो मटेरियल लगा है इसको बनाने में उसकी डिटेल दूंगा। अभी देखिए ये जो मशीन है इसको आगे जो ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड मैंने बनाया है स्टील रूल का, ठीक है। पहले अलग ब्लेड लगाया था, अभी ये जो थोड़ा हार्ड होता है ब्लेड, टूटने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, नहीं तो ब्लेड टूट गया तो अपने आंग पे भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ब्लेड यूज़ कीजिए। स्टील का होता है इसकी वजह से टूटेगा ऐसी कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अभी ये जो कनेक्टर है ये नहीं मिले आपको तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी ये वीडियो बनाते समय मेरे पास नहीं था, अभी मैं लाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा वो भी, ठीक है। अभी देखिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, देखिए इसकी स्पीड बहुत बढ़िया है दोस्तों। मैंने 1.5 से 2 घंटे में एक एक कर दी पूरी छाट ली, 2 तास थे मेरे खेत में वो मैंने 2 घंटे में मतलब लगभग करीब छाट लिए, ठीक है। और ये मोटर जो है दोस्तों कम से कम आपको 7 घंटे का एवरेज देगा जो आपका बैटरी का पंप रहता है उसके ऊपर। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा था दोस्तों, इसकी वजह से मैं आपको उतना नहीं दिखा पाऊँगा, देखिए और पटापट से हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आरपीएम है इसका और रेंज भी बहुत बढ़िया है इसकी, पावरफुल मोटर है ये, मतलब आप जो अपने खेत में गांजर गोत होता है वो भी छाट सकते इससे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्लेड और मोटर की प्राइस और इसको लगने वाले चीज़ें, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसमें मैंने पूरे प्राइस बताया, मैंने बताया था आपको ब्लेड चेंज किया है मैंने, इसकी वजह से मैंने ऐसे डाला है। इसका फोटो ले लीजिए दोस्तों एक, ये जो इमेज है दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक जेरोक्स वाले से एक जेरोक्स लेके आइए, फिर उसके बाद स्केल पे वो जेरोक्स काट के लगाइए और उस साइज़ का इसको शेप दीजिए, ठीक है, वो आपकी डिज़ाइन में बन जाएगा ब्लेड। अभी देखिए ये पाइप मेरे पास कंप्लीट पाइप नहीं था तो इसलिए मैंने आधा आधा कर लिया था, उसके लिए वो सॉकेट है बीच में जोड़ने के लिए और एक एल्बो, इसमें आपको 1.25 इंची पाइप भी चल जाएगा, सिर्फ आपको जो एल्बो है 1.25 इंची का इसमें वो मोटर बैठती नहीं, थोड़ा आपको एल्बो गरम करके उसमें वो मोटर डालनी पड़ेगी। अभी मोटर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो रोटर आपको मिलेगी दोस्तों मार्केट में, हमारे यहाँ पे पहले 150 की थी अभी 200 की हो गई, आपके यहाँ कितने की मिलेगी मुझे पता नहीं, फिर भी आप अपने मार्केट से देख लीजिए। अभी उसके बाद हम इसे पूरा एक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। अभी ये मोटर है दोस्तों, इसके कनेक्शन आसान है, एक बटन लगेगी जिसमें हम एक मोटर का केबल लगाएंगे और एक अपने जो पंप को लगता है केबल उसका एक केबल लगाएंगे, मतलब सीरीज में ऑन ऑफ होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं 15 दिन के बाद खेत में गया, तब मेरी देखिए अभी वो उसने घेरा कर लिया है ऐसा, मतलब सेंडे बढ़ गए, इससे अपना उत्पादन बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।